खबर का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुख्यालय में मौजूद हैं और गृहमंत्री अमित शाह भी केंद्रीय मुख्यालय में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली से सामने आ रही है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। बैठक के बाद उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान संभव हो सकता है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि कई वरिष्ठ मंत्री जो है वो मुख्यालय में मौजूद हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। बैठक के बाद उपराष्ट्रपति के नाम का भी ऐलान हो सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल। बैठक के बाद उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यालय में मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के बाद उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी हो सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त बैठक में मौजूद। आपको बता दें कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हो रही है और अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है बैठक। बैठक के बाद उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी संभव और कई वरिष्ठ नेता इसमें देखिए शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं पर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए ये बैठक जो है कितनी देर में शुरू होने वाली है, कौन कौन से जो नेता है वो वहां पर पहुंच गए हैं? कुमार, तो देखिए ये बैठक थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो वहां पर पहुंचेंगे और इस बैठक के बाद आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नाम है वो भी सामने आ सकता है कि आखिर बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, उसका नाम भी सामने आ सकता है। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है बीजेपी मुख्यालय पर और तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, देखिए बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, वहां पर क्या जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है? कुमार, देखिए शांतनु, अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, चाहे वो अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जो संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति का चयन होगा एनडीए की तरफ से, इसी को लेकर आज एक अहम बैठक है। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि कई नामों पे चर्चा हो रही है और कई, चूंकि साफ तौर पे ये कहा जाता है कि बीजेपी अनएक्सपेक्टेड लोगों को राज्यपाल उपराष्ट्रपति बना सकती है, उनके नाम की घोषणा हो सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज से कुछ लोग आ सकते हैं, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें या केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए एक तरह से रणनीति बनाई जाएगी। और लेकिन आज अहम बैठक है,
किसको उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर एक खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी आज इस पर अहम बैठक कर रही है, एनडीए के नेताओं से भी इस पर चर्चा होगी। इस बैठक के दौरान टेलीफोनिक चर्चा हो सकती है उनके नाम को लेकर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं चार नामों की, तो मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आगे चल रहा है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम चल रहा है, महिला के तौर पे अल्पसंख्यक के तौर पे नजमा हेपतुल्ला का नाम चल रहा है। उसके अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका नाम भी चल रहा है। लेकिन एक नाम और है कुछ बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी उन नामों पर अलग से चर्चा करती है जो पूरे मीडिया में नहीं आता है। तो किसी राज्यपाल को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि तमाम राज्यपाल दिल्ली में हैं और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। साफ तौर पे अगर बंगाल के राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने भी आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, मणिपुर के राज्यपाल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने आज वेंकैया नायडू से मुलाकात की है, उन्हें फेलिसिटेट किया है उनके आवास जाकर। तो कई नाम हो सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड नाम बीजेपी की तरफ से आएंगे और चार नामों पे चर्चा। और कहा जाता है बीजेपी में कि जो नाम नहीं चलता है उसके विपरीत नाम पार्टी की तरफ से आते हैं। क्योंकि आप अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अगर 5 साल पहले रामनाथ कोविंद का नाम कभी नहीं आया था और द्रौपदी मुर्मू का भी नाम नहीं आ पाया था, तो अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल कुमार पुष्कर, तो कहीं ना कहीं ये बेहद कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड होता है। जो भी नाम निकल कर सामने आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, निश्चित तौर पर वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। इस बैठक के बाद कौन सा नाम निकल कर सामने आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।